तो देखो कितना अच्छा उदाहरण है, मायके चले गए। क्यों चले गए? तो मन कहता है नहीं, अपने हैं। और थोड़े दिनों के बाद फिर हम मन कहता नहीं, अब बोर हो गए, अपना तो अपना ही है, चलो अपने चले गए ससुराल। फिर कुछ दिनों में, कुछ महीनों में लगता है कि जो अपना है वो पराया हो गया, उसको फिर अपना बना लेते हैं, कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं। तो ये जो आना जाना है मन का, इसको कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व मतलब मन के अंदर दो बातें, कुछ दिनों के लिए एक बात अच्छी, कुछ दिनों के लिए दूसरी बात अच्छी। तो ध्यान में जो सफलता के लिए हमें प्रकृति और द्वंद्वों के पार जाना होता है। द्वंद्व तो ये हो गए लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद नापसंद, पेन एंड प्लेजर, दुख और सुख, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि है जी, और प्रेम और घृणा। इस तरह से बहुत सारे द्वंद हमारे जीवन में आते हैं और जाते हैं, हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर अपने मन को इससे ऊपर उठाने के लिए हमारे लिए ये समझ जरूरी है कि आखिर ये द्वंद, कृष्ण जिसको कहते हैं, द्वंद को कहते हैं, और फिर कहते हैं वो संघात, संघातश्चेतनाधृति। तो ये हथौड़ा मारते हैं हमारे मन के ऊपर, ये द्वंद जो है, नहीं, ये अच्छा है, नहीं, ये बुरा है। इससे जब तक इन द्वंद्वों के पार जाएं, और जो संघात होता है, ये आखिर ये सब कहां से आते हैं? तो ये सब जो आते हैं, जैसे हमने कहा, हमने समझा कि जिसको कि मैं 8 फैक्टर्स कहता हूं, फिर याद रखना है उसको कि कोई भी वस्तु बाहर या व्यक्ति बाहर, तो उसके प्रति हमारी अटैचमेंट और डिटैचमेंट हो गई, राग व द्वेष हो गया, दो बातें, दूसरी बात, दूसरा कारण, तीसरा हो गया उसके कारण इच्छा उत्पन्न हुई। अब ये इच्छा द्वंद्वों में चलती है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो कंफ्यूजन आ गया। अब ये कंफ्यूजन भी तो द्वंद्व ही कहलाता है। अब ये द्वंद बहुत दिनों तक बना रहेगा तो क्या होगा? लॉस ऑफ मेमोरी, स्मृति का ह्रास होगा। अब वो स्मृति कौन सी है कि मैं कौन हूं, इसका हमें पता नहीं लगेगा। मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं आनंद हूं, मैं उस विशाल अनंत अस्तित्व का बच्चा हूं। ये स्मृति जब ये खत्म हो जाती है तो लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि में का भी ह्रास हो जाए। और जब ये 6 बातें हो जाती हैं तो सबसे बड़ी बात आती है भ्रम। भ्रम कहो अज्ञान, भ्रम कहो कि जहां मैं प्रेम देख रहा हूं वहां प्रेम है ही नहीं, फिर भी मैं देखे जा रहा हूं, फिर भी मैं जोर दे रहा हूं। तो ये जो भ्रम आ जाता है और उस भ्रम के कारण बुद्ध जिसको कहते हैं दुखम दुखम दुखम, अब वापस लौटना है तो अब बुद्ध रास्ता बताते हैं, दुखम दुखम दुखम। तो फिर कहते हैं जरा विचार करो, तो विचार करने से हमें मिलता है ये क्या है, अनंतम अनित्यम अनित्यम अनित्यम, अनित्य है, रहने वाला नहीं है। देखो रहने वाला नहीं है,
अभी मायके गए फिर ससुराल आए, फिर मायके गए फिर ससुराल आए। अच्छा आप अच्छे हो यहाँ पर, आप अच्छे नहीं हो। नहीं सब कुछ ठीक ठाक है पर आपको ये करना चाहिए। लो मुसीबत, द्वंद्व आ गया। मन जब इन द्वंद्वों से पार जाता है तो क्या पाता है? दुखम दुखम दुखम, अनित्यम अनित्यम अनित्यम, और फिर क्या दिखता है? क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम। हमें लगता है कि 15 दिन मायके गए, फिर वापस आ गए 6 महीने, तो हमें लगता है कि 15 दिन गए और 6 महीने गए, पर ये क्षणिकम है। गए, प्रसन्नता हुई, और वो प्रसन्नता फिर वापस खत्म हो गई और हम पुरानी चीजों में फिर फंस गए। तो जब तक व्यक्ति द्वंद्व के पार नहीं जाता है तब तक वो अवस्था ध्यान की गहरी अवस्था, जिसको हम कह सकते हैं कि ध्यान में सफल होना, ये अवस्था नहीं आती। तो कृष्ण उसको बड़े आराम से बड़े प्रेम से समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, एक तो मूल प्रकृति है, एक बात हो गई, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हो गए। तो देखो अब उसमें पसंद नापसंद में द्वंद्व की बात को समझो कि हम गए घर, तो वहां पे मन तैयार रहता है किसके कारण? विषयों, पहला विषय हो गया और 5 विषय के साथ 5 इंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 5 भूत हो गए, 5 महाभूत हो गए, 20 हो गए, और मूल प्रकृति मन बुद्धि और अहंकार, ये सब आपस में मिलके घोटाला करते रहते हैं हमारे अंदर। वो क्यों करते हैं? वो संस्कारों के कारण, और संस्कार हमें दिखाई नहीं देते, संस्कारों का प्रभाव हमारे मन पे दिखाई देता है। एंग्जाइटी आ गया, एंगर आ गया, ड्यूअलिटी आ गई, कन्फ्लिक्ट, तो ये प्रभावित हो। तो कृष्ण ये कहते हैं कि हमें इसके पार जाना होगा, प्रकृति के पार जाना होगा और द्वंद्व के पार जाना होगा। तो अर्जुन को ये समझा देते, तो अर्जुन कहता है कि नहीं मैं समझ गया। तो समझने के तुरंत बाद ये कहते हैं कि भाई साधना तो करनी पड़ेगी। तो साधना में क्या करनी पड़ेगी? पहले समझ। अब हम समझ गए कि ये 8 जो कारण हैं हमारे तनाव के, दुख के, दुविधा के, वो इन 8 कारणों के पीछे जो कारण है वो ये 24 चीजें हैं। कौन सी 24 चीजें? 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 हो गए, 5 विषय, और फिर मूल प्रकृति मन बुद्धि और अहंकार। कभी अहंकार आ जाता है, इतने दिनों से नहीं गए, आप जाने भी नहीं देते हो, बड़ा सूक्ष्म अहंकार। तो इन 4 के कारण जो है वो 8 कारण आ गए, राग द्वेष हो गया है जी, और इच्छा, कंफ्यूजन, और ये सारी चीजें आ गई। तो अर्जुन को कहते हैं कि भाई पहले ये समझ में आ गया तो कहां से शुरू करोगे? कि देखो शुरू करो कि ये जो द्वंद्व है मन के अंदर, पसंद नापसंद, इसको हटा दो, और इसी के कारण जो अहंकार आता है हमारे मन के अंदर इसको हटा दो, फिर देखो मन खाली हो गया। और जब ये मन खाली सा हो गया तब क्या होगा? तब हम ध्यान की गहरी अवस्था में जाएंगे। तो उससे पहले क्या कहते हैं कि वो ध्यान की जो अवस्था है वो मन में जो शोर हो रहा है, किसका शोर हो रहा है? पसंद नापसंद का। किसके कारण?
प्रकृति और ये 24 तत्वों के कारण, तो वो शोर बंद हो जाएगा। तो शोर बंद होने का कारण क्या है? हम कहते हैं नहीं आज बड़ा दुखी है, आज ठीक रहा, आज नहीं ठीक रहा, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। पर इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? सिद्धांत और उसकी समझ। कभी कभी हम ऐसे 5 मिनट 10 मिनट में बैठ जाएं और देखें कि भाई हाँ अच्छा ये पसंद है, कितनी देर रही, कितनी देर रही का मतलब कितने घंटे रही, खाना पीना 10-15 मिनट, उसके बाद फिर मुंह खाली, स्वाद का जो पसंद नापसंद चली जाती, कहीं जाना हो तो कुछ घंटों रही, कहीं किसी संबंधों में जाना हो तो कुछ हफ्ते, देखो फिर वापस आ गए। ये समझ होनी चाहिए। देखो वहां पर हम जाएं, कहीं पर भी जाएं, प्रेम से ही व्यवहार करना है, पूरा व्यवहार प्रेम का ही हो, पर अंदर ये जानते रहना है, अंदर ये जानते रहना है। तो उसको हम कहते हैं समझ। अगर ये समझ बनी रही तो हमारा मन क्या रहेगा? कृष्ण कह रहे हैं वो उसका शब्द अध्यात्म ज्ञान नित्यम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यतत अन्यथा। कहते हैं बस ये ज्ञान अंदर बैठ जाए मन के अंदर तो हम ध्यानस्थ हो जाते, ध्यान सफल हो गए। और एक बार ध्यान सफल होता है तो वापस फिर जाता नहीं है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मन को ये पता लग गया कि अंदर हमारे जो है वो ज्ञान प्रकट हो गया कि भाई ये जो ज्ञान है वो आनंदम वही ब्रह्म का है कि प्रतिक्षण आनंद बना रहता। मन को ये पता लग गया, मन अभी भ्रम में था, मन अभी ज्ञान में था, मन को पता लग, मन के अंदर वो ज्ञान आ गया, तो हमारी सारी इच्छाएं, एक इच्छा पूरी हो गई, उस सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। बार बार मनन करना होगा। मेरे गुरुदेव कहते थे विचार करो, सोचो। सुनना तो ठीक है, पहला सुन लिया हमने, हमने सुन लिया, हमने सिद्धांतों को देख लिया, पर उसके बाद हमें विचार करना होगा। किसके अंदर विचार होगा? मन के अंदर विचार होगा। तो विचार क्यों होगा? क्योंकि जो गलत धारणाएं जो हमारे मन ने बना रखी हैं कि यहां से प्रेम ज्ञान और आनंद मिलता है वो खत्म हो जाएगा। पर इसका यह मतलब नहीं है कि बाहर हम प्रेम में नहीं रहेंगे, शांति में नहीं रहेंगे। तो वो जैसे ही खत्म होगा तो प्रकृति के पीछे, द्वंद्वों के पीछे वो आनंद प्रकट हो जाएगा, वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वो जो हमारी एक इच्छा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती। चलो अब हम ध्यान में